हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे कि आपको अपनी डाइट में कौन से अनाज लेना चाहिए, अपने खाने में कौन से अनाज का यूज़ करना चाहिए जिससे आप हमेशा हेल्दी एंड फिट रह सकें। ऐसे अनाज के बारे में जिनको अगर आप लेते हैं तो आपको पेट से लेकर डायबिटीज़ तक की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम हेल्दी एंड फिट रहने के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन अनाज कौन सा खाना चाहिए इस बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। रिसर्च के अनुसार अगर आप मोटे अनाजों का सेवन करते हैं तो ये आपको न केवल हेल्दी एंड फिट रखता है बल्कि आपको कई बीमारियों से बचाकर भी रखता है। इसलिए आपको अपने नाश्ते में मोटे अनाज का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम रात में डिनर करते हैं, डिनर के बाद जब सुबह का ब्रेकफास्ट और डिनर में बहुत ज़्यादा गैप होता है, कम से कम 8 to 10 hours का गैप रहता है, ऐसे में हमें पर्याप्त ऊर्जा के लिए पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और वो पोषक तत्व आपको जो मोटे अनाज होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में मिल जाती है। कुछ रिसर्च के अनुसार जो ये मोटे अनाज होते हैं इनमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, फाइबर्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें हेल्दी रखने में मदद करता है, साथ साथ हमें कई बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। तो आप अगर नाश्ते में इन अनाजों का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। खासकर जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके लिए मोटे अनाजों का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे मोटे अनाज हैं जिनका अगर आप सेवन करते हैं तो आपके लिए वो बहुत लाभदायक हो सकता है। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जौ। जौ का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, खासकर जिन्हें हमेशा पेट से संबंधित बीमारी होती है, उनके लिए डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि जौ के अंदर बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। और जौ के अंदर बहुत अधिक मात्रा में विटामिंस होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। तो यदि आपको भी टाइप 2 डायबिटीज़ है या आप इससे बचना चाहते हैं तो जौ का सेवन ज़रूर करें। आप जौ की रोटी बनाकर, जौ का दलिया बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप गेहूँ में थोड़ा सा जौ मिलाकर गेहूँ के साथ भी आप जौ का यूज़ कर सकते हैं, उसकी आप फुलके बनाकर खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। देन सेकंड है ज्वार। ज्वार भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें हमेशा कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज की शिकायत बनी रहती है, उनका पेट सही से साफ़ नहीं होता, पेट फूला हुआ रहता है और उनका जो डाइजेशन है बहुत ज़्यादा वीक होता है, उनके लिए ज्वार बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि ज्वार के अंदर बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स होते हैं जो कि हमारी पाचन क्रिया को अच्छा रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा ज्वार के अंदर पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। और आप ये जानते ही होंगे कि कैल्शियम और पोटेशियम हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और पोटेशियम हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो यदि आपकी भी हड्डियां कमज़ोर हैं, मांसपेशियां आप में बहुत ज़्यादा अकड़न, ऐंठन की प्रॉब्लम रहती है तो आप ज्वार का सेवन ज़रूर करें। तो आप ज्वार की चपाती बनाकर नाश्ते में खा सकते हैं या गेहूँ के साथ आप मिक्स करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड है बाजरा। बाजरा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और ख़ासकर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो ये एक जादुई दवा के जैसा काम करता है क्योंकि बाजरे के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, साथ साथ ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर रखता है। अगर आपका भी मोशन क्लियर नहीं होता है, आप दिन में 2 to 3 times मोशन के लिए जाते हैं तो भी आपका मोशन सही से पास नहीं होता है तो आप बाजरे की खिचड़ी का यूज़ कर सकते हैं। बाजरे की खिचड़ी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। या इसके अलावा आप बाजरे को के जो आटा होता है उसको आप गेहूं के आटे में मिक्स करके भी बना सकते हैं। यदि आप भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप सुबह नाश्ते में बाजरे का सेवन ज़रूर करें। देन फोर्थ है रागी। आप जानते ही होंगे कि जो रागी है वो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है। अगर आपको हमेशा कमज़ोरी महसूस होती है या
या आपके खून की कमी रहती है तो आप रागी का सेवन करना ना भूलें, क्योंकि जो रागी होता है इसमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन होने के साथ साथ फाइबर्स भी होता है, जो कि हमारे पेट से रिलेटेड समस्याओं को भी दूर करता है, हमारे खून बढ़ाने में मदद करता है। आयरन का रिच सोर्स होने के कारण ये हमारे ब्लड को बढ़ाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन को बहुत जल्दी अप करता है। तो यदि आप थोड़ा सा भी चलने में आपको थकान महसूस होती है या आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर महसूस होते हैं, तो आप रागी का सेवन ज़रूर करें। रागी का हलवा बनाकर आप नाश्ते में ले सकते हैं या आप रागी को गेहूँ के साथ मिक्स करा के भी उसका यूज़ कर सकते हैं। रागी में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स भी होते हैं जो कि पाचन क्रिया को भी तंदुरुस्त बनाने में मदद करते हैं। तो इन अनाजों में बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, फाइबर्स होते हैं। आपने ध्यान दिया, हमने चार अनाज की बात की, चारों ही अनाज पाचन क्रिया को तंदुरुस्त बनाने में मदद करते हैं, फाइबर से भरपूर होते हैं। तो यदि आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है, कमज़ोरी महसूस होती है, या आप डायबिटिक हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, मांसपेशियों में अकड़न रहती है, या डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, तो इन आप चारों अनाजों को अपने गेहूं में मिक्स कराकर इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अब आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि आपको कौन सा अनाज यूज़ करना चाहिए, कौन सा अनाज अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। इन सभी अनाजों को आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं या गेहूं के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये सभी अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। खासकर अगर आपको हमेशा पेट से संबंधित बीमारी रहती है या आप डायबिटिक हैं, तो इन अनाजों का सेवन करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।